निगम भिलाई के आयुक्त ने टैक्स वसूली को लेकर टैक्स वसूलने वाली कंपनी स्पैरो सॉफ्टटेक सहित सभी जोन के राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर फटकार लगाई है और शत प्रतिशत टैक्स वसूली करने निर्देश दिए हैं। निगम भिलाई के आयुक्त प्रकाश सर्वे ने संपत्ति कर एवं अन्य टैक्स वसूली को लेकर अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक ली। बैठक में अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी, उपायुक्त सुनील अग्रहरि, राजस्व विभाग के अधिकारियों सहित स्पैरो सॉफ्टटेक कंपनी के कर्मचारी इत्यादि उपस्थित रहे। निगम आयुक्त प्रकाश शर्मा ने बैठक में सख्त लहजे में कहा कि स्पैरो सॉफ्टटेक लिमिटेड के कर्मचारी डोर टू डोर टैक्स कलेक्शन को युद्ध स्तर पर करें। टैक्स वसूली के लिए अब ज्यादा समय स्पैरो के पास नहीं है, केवल फरवरी और मार्च माह मिलाकर 2 माह ही टैक्स कलेक्शन के लिए शेष रह गए हैं। उन्होंने कहा कि टैक्स कलेक्शन के एवज में स्पैरो सॉफ्टटेक कंपनी को दी जाने वाली 7.15% कमीशन राशि तब तक होल्ड रखी जाएगी जब तक 100% वसूली न हो जाए। साथ ही सहायक राजस्व अधिकारियों पर भी निगम आयुक्त ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि कुर्की वारंट का अधिकार सहायक राजस्व अधिकारियों को दिया गया है, बावजूद इसके कार्रवाई में ढिलाई करने पर अधिकारियों पर कार्रवाई की जा सकती है। उन्होंने 15 दिवस का समय सहायक राजस्व अधिकारियों को दिया है, जिसका परफॉर्मेंस सही नहीं होगा उसे नोटिस भी जारी किया जाएगा। हर जोन की बारी बारी से आयुक्त ने समीक्षा की। स्वविवरणी की जांच पर भी निगम आयुक्त ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि करदाता द्वारा दी जाने वाली स्वविवरणी में से 10% स्वविवरणी की नियमित रूप से सहायक राजस्व अधिकारी जांच करें और जांच उपरांत कार्रवाई जोन स्तर पर नियमानुसार किए जाएं। आयुक्त ने स्पैरो सॉफ्टटेक लिमिटेड के कर्मचारियों से कहा कि टैक्स कलेक्शन के लिए युद्ध स्तर पर कार्य करें और रणनीति तैयार कर लक्ष्य को हासिल करने धरातल पर अपनी टीम को मजबूत करें। उन्होंने स्पैरो के काम पर गहरी नाराजगी जताते हुए यह भी कहा कि वसूली में कोताही बरती गई तो अनुबंध के नियमों के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सकती है। देखिए, आयुक्त महोदय ने समीक्षा बैठक ली थी, संपत्ति कर, भूभाटक, समेकित कर, जल कर और अन्य जो टैक्स हैं उसके संबंध में, और संबंध में जो बैठकें हुई थी उसमें स्पैरो के कर्मचारी उपस्थित थे और इसके साथ ही जो अधिकारी हैं राजस्व विभाग के वो उपस्थित थे। इनमें जो स्पैरो के टैक्स कलेक्शन पर आयुक्त महोदय ने नाराजगी जताते हुए कहा कि जो अपने परफॉर्मेंस सुधार लाए, इसके अलावा उनकी जो धरोहर राशि हमारे पास जो रहती है, जो कमीशन की राशि होती है 7.15%, वो होल्ड रखा जाएगा जब तक कि वो 100% वसूली न कर ले। हो सकता है उस परसेंटेज में से जो है निगम कुछ राशि को अपने अंडर भी कर ले, यानी राजसात कर सकते हैं, कि जो परफॉर्मेंस देने का जो बात हुई है, जो अनुबंध में है उसके नियम शर्तों के आधार पे इस स्पैरो के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। यदि वो वसूली जो है, ये जो 2 माह बचा हुआ है मार्च के अंतिम तक का, वो वहाँ तक ना कर लें। और इसके अलावा जो है राजस्व अधिकारियों को भी उन्होंने नाराजगी जाहिर किया था कि जो कुर्की की कार्रवाई होती है उस पर बहुत सारे वारंट जारी होते हैं जिनका अधिकार आयुक्त महोदय जो है सहायक राजस्व अधिकारियों को प्रत्योजित करते हैं। वो जो अधिकार है वो उनको पूरा पावर देता है कि कुर्की पे जो कार्रवाई करनी है उसके तहत में। तो जोन 4 का परफॉर्मेंस में अच्छा था, और बाकी जोन जो थे उसमें परफॉर्मेंस जो है उस पर आयुक्त महोदय ने कहा कि हम 15 दिवस का समय दे रहे हैं, इस 15 दिवस में आप कार्रवाई करें और जो कार्रवाई है उससे अवगत कराते हुए, नहीं तो फिर आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो आयुक्त महोदय एक सख्त निर्देश थे और संपत्ति कर और टैक्स वसूली को लेकर आयुक्त महोदय बहुत गंभीर हैं और इस पर जो है विचार विमर्श किया भी जा रहा है और इसके लिए रणनीति बनाई गई है कि लगातार इसकी मॉनिटरिंग होगी, डेली मॉनिटरिंग होगी, क्योंकि एक रेवेन्यू का बड़ा साधन हमारा जो है वो इसी से है। तो इस पर आयुक्त महोदय लगातार फोकस कर रहे हैं और जो मार्च के अंतिम दिनांक तक जो टैक्स पेई हैं जो 2021 और 2022 के वित्तीय वर्ष के होंगे वो जमा कर दे तो ठीक है, नहीं तो वो अधिभार भी उनको देना पड़ेगा इसके बाद में और उनको शास्ति भी उनके ऊपर अधिरूपित की जाएगी और बकायेदार की सूची में शामिल हो जाएंगे, तो वो बड़ी कार्रवाई एक प्रकार से उनके ऊपर होगी। तो मेरी भी अपील है नगर निगम भिलाई की ओर से कि जो टैक्स पेई है वो अपने समय पर टैक्स जमा कर दें और अतिरिक्त अधिभार देने से बचे और शास्ति अधिरूपित होने से बच जाए। नगर पालिक निगम भिलाई ने करदाताओं से अपील की है कि समय पर अपना संपत्ति कर एवं अन्य कर जमा करें और अनावश्यक अधिभार तथा कार्रवाई से बचें। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।